हेलो स्टूडेंट्स, मल्टी फाइल प्रोग्राम क्या होता है और कैसे बनाया जाता है इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आज उसकी हम एक एग्जांपल लेके आपको बताते हैं कि मल्टी फाइल प्रोग्राम कैसे सी प्रोग्रामिंग में डेवलप करते हैं। सिंपली आप लिख सकते हैं सी प्रोग्राम यूजिंग मल्टी फाइल। ठीक है, इसमें देखिए क्या करते हैं हम। इसमें सिंपली हम एक सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं दैट विल जनरेट द मैसेज, ठीक है, फ्रॉम विद इन ए फंक्शन, ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जो ये प्रिंट करेगा मैसेज हेलो स्टूडेंट्स और फ्रॉम विद इन ए फंक्शन। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें देखिए दो फंक्शन यूज होंगे। द प्रोग्राम विल कंसिस्ट ऑफ टू फंक्शन, एक तो मेन फंक्शन यूज होगा और दूसरा फंक्शन यूज होगा, मान लीजिए हमने उसका नाम दिया आउटपुट। ये दो फंक्शन यूज होंगे इस प्रोग्राम में, ठीक है। अब इस प्रोग्राम और ईच फंक्शन अपीयर्स इन ए सेपरेट फाइल, यानी मेन फंक्शन एक फाइल में होगा, से सपोज कीजिए फाइल वन में, और आउटपुट फंक्शन दूसरे फाइल में होगा फाइल टू में। तो इसमें हम मान लीजिए हम प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट फाइल में क्या करेंगे हम, मान लीजिए हमने यहाँ लिखा फर्स्ट फाइल, ठीक है। फर्स्ट फाइल में हम प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं तो सपोज कीजिए हमने पहले कमेंट लाइन लिखा, हमने कहा कि सिंपल मल्टी फाइल प्रोग्राम, मल्टी फाइल प्रोग्राम टू राइट हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको हमें राइट करना है, इसका हम प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये हमने कमेंट लाइन यहाँ पे एंड कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने हेडर फाइल इंक्लूड किया तो हमने कहा इंक्लूड stdio.h। यहाँ पे हम फंक्शन डिक्लेयर करेंगे तो यहाँ हमने डिक्लेयर किया एक्सटर्न void, फंक्शन का नाम दिया हमने आउटपुट, और फंक्शन ना कुछ रिटर्न कर रहा है ना कुछ हम फंक्शन को पास कर रहा है तो यहाँ पे भी हमने void लिख दिया। ये क्या हो गया, ये हमारा फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर दिया हमने। दिस इज कॉल्ड फंक्शन प्रोटोटाइप, ये डिक्लेयर कर दिया। अब इसके बाद हमने ये मेन फंक्शन बनाया, इसके अंदर क्या किया हमने, हमने कॉल किया आउटपुट फंक्शन को, ये हमने लिखा आउटपुट, और उसके बाद मेन की बॉडी यहाँ पे क्लोज हो गई। तो ये प्रोग्राम तो फर्स्ट फाइल में हमने सेव कर दिया। अब उसके बाद दूसरी फाइल में हम सेकेंड फाइल में क्या करते हैं, हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा सेकेंड फाइल, यहाँ पे हमने लिखा सेकेंड फाइल। सेकेंड फाइल में हम क्या करेंगे, हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो हमने यहाँ लिखा एक्सटर्न void output और फिर यहाँ पे हमने लिखा void। ये जैसे फंक्शन प्रोटोटाइप हमने डिक्लेयर किया था, ये क्या है, यहाँ पे हम लिखा एक्सटर्नल फंक्शन का डेफिनेशन है। तो यहाँ हमने लिख दिया एक्सटर्नल फंक्शन डेफिनेशन, ये हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये फंक्शन की बॉडी शुरू हुई, यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट एफ और हेलो स्टूडेंट्स, ये हमने प्रिंट एफ स्टेटमेंट क्लोज हो गया। उसके बाद रिटर्न कुछ नहीं करना है तो यहाँ पे हमने केवल लिखा रिटर्न और कोई इसको हमने आर्गुमेंट नहीं दिया, ठीक। अब क्या होगा कि ये फर्स्ट फाइल में वो सेव हो गया, सेकंड फाइल में ये सेव हो गया। अब इसमें क्या होता है कि देखिए, इसमें एक चीज़ नोटिस कीजिए कि आउटपुट इज असाइन
द स्टोरेज क्लास एक्सटर्न सिंस इट मस्ट बी एक्सेस्ड फ्रॉम अ फाइल अदर देन द वन इन विच इट इज डिफाइंड. इट मस्ट देयरफॉर बी एन एक्सटर्नल फंक्शन. अब यहाँ पे जो आउटपुट फंक्शन है उसको हमने देखिए यहाँ पे एक्सटर्न इसलिए डिफाइन किया है क्योंकि ये जिस फाइल में डिफाइन है ये फंक्शन वहां पे नहीं, उसकी बजाय दूसरी फाइल, मतलब ये डिफाइंड है सेकेंड फाइल में और इसको एक्सेस किया जा रहा है कहाँ से, फर्स्ट फाइल से. तो इसलिए इसका टाइप जो है एक्सटर्न डिफाइन करना जरूरी है इसकी स्टोरेज क्लास. अब इसमें क्या होगा, हेंस द कीवर्ड एक्सटर्न इज इंक्लूडेड इन बोथ द फंक्शन डिक्लेरेशन. इन द फर्स्ट फाइल में भी जब हमने फंक्शन डिक्लेयर किया है प्रोटोटाइप में तब भी, और जहां फंक्शन डिफाइन किया हमने सेकेंड फाइल में वहां पे भी, दोनों जगह पे ये एक्सटर्न वर्ड यूज करना जरूरी है. सिंस एक्सटर्न इज ए डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास, हाउएवर वी कैन ओमिट द कीवर्ड एक्सटर्न फ्रॉम बोथ द फंक्शन डिक्लेरेशन एंड द फंक्शन डेफिनेशन. तो अब मान लीजिए यहाँ पे हम एक्सटर्न अगर नहीं भी देंगे फर्स्ट फाइल में भी और सेकेंड फाइल में भी, तो भी वो क्या करेगा, वो बाई डिफॉल्ट एक्सटर्न ही लेगा, क्योंकि एक्सटर्न जो है ये आप समझ लीजिए एक्सटर्न जो है वो डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास है. जब भी हम स्टोरेज क्लास को नहीं डिफाइन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो एक्सटर्न टाइप ही लेगा. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि आप इस एक्सटर्न वर्ड को हटा के भी आप फंक्शन को एज इट इज बना सकते हैं. क्लियर. अब इसमें क्या होगा कि जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो आपको स्क्रीन पे हेलो स्टूडेंट्स लिखा हुआ आ जाएगा. तो इस तरह से आप एक्सटर्न वेरिएबल को यूज करके डिफरेंट फाइल्स में या मल्टी फाइल प्रोग्राम बना सकते हैं. अब इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली है कि अगर मान लीजिए हम वी फर्स्ट एंटर द सोर्स कोड, ठीक है, अगर मान लीजिए हम एक और प्रोग्राम बनाना चाहें मल्टी फाइल प्रोग्राम, तो उसको भी हम इसी जो आपको बेसिक बताया है इसी हिसाब से आप दूसरा मल्टीफाइल प्रोग्राम भी बना सकते हैं. उसमें प्रोग्राम के जो मॉड्यूल्स हैं या प्रोग्राम के जो अलग अलग फंक्शंस हैं वो अलग अलग फाइल में आप डिफाइन करेंगे और दे कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनी अदर फाइल. बस इसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको जो स्टोरेज क्लास है वो या तो अगर आप नहीं डिफाइन करेंगे तो बाई डिफॉल्ट स्टोरेज ले लेगा, और अगर डिफाइन करेंगे तो आपको एक्सटर्न करके डिफाइन करना है. तो ये मेन एडवांटेज है, किसी भी मल्टीफाइल प्रोग्राम को अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप एक्सटर्न वेरिएबल का इस तरह से यूज कर सकते हैं. इसमें एक चीज ये ध्यान रखने वाली है कि इफ ए फाइल कंटेन्स ए स्टैटिक फंक्शन इट मे बी नेसेसरी टू इंक्लूड द स्टोरेज क्लास स्टैटिक विद इन द फंक्शन डिक्लेरेशन और द फंक्शन प्रोटोटाइप. मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए ये तो हमने अभी एक्सटर्न करके डिफाइन कर दिया, अगर किसी भी फाइल में कोई स्टैटिक फंक्शन है तो क्या होगा कि आपको ये एसेंशियल है, ये नेसेसरी है टू इंक्लूड द स्टोरेज क्लास स्टैटिक विद इन द फंक्शन डिक्लेरेशन. जहां आप फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हो वहां पे भी आपको स्टैटिक वर्ड यूज करना पड़ेगा, और जहां आप फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर रहे हैं वहां पे भी आपको स्टैटिक वर्ड यूज करना पड़ेगा अगर फाइल में कोई स्टैटिक फंक्शन यूज हो रहा है तो. तो आई होप कि आपको ये प्रोग्राम क्लियर हो गया होगा. अगर कोई डाउट्स या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके. थैंक यू.